Hello everyone, I'm Dr. Anshu Nagpal, Senior Consultant Physician in Miracles Apollo Cradle Spectra Sector 82. आज हम जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे, जिसे पीलिया भी कहा जाता है. इसके कुछ मुख्य कारण जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं. उसमें बिलिरुबिन, इसमें एक ब्लड टेस्ट में बिलिरुबिन नाम का केमिकल जो है वो बढ़ जाता है, उसी को हम जॉन्डिस बोलते हैं, जो कि आँखों में स्किन पे पीलिया के फॉर्म में नज़र आता है, और ये एक बाइल पिगमेंट के बढ़ने से नज़र आता है. इसके लिए हमें LFT कराने पड़ते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें बिलिरुबिन अगर 2 से ज़्यादा होता है तो हमें मैनिफेस्ट होने लगता है. इसके कुछ मुख्य कारण हैं. पहली चीज़ कि अगर बाइल पिगमेंट्स बन ही ज़्यादा रहे हों, जो ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के ज़्यादा ब्रेकडाउन होने से बढ़ता है, तो वो अलग तरह का बिलिरुबिन होता है, उसे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं. इसी तरह का बिलिरुबिन जो है वो लिवर की कुछ सूजन वाली बीमारियों में भी बढ़ता है, जिन्हें हम हेपेटाइटिस कहते हैं. और इसके मुख्य कारण होता है हेपेटाइटिस के, या तो कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस ए, ई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और अल्कोहल और कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस, या फिर किसी और तरह की कुछ मेडिसिनल हेपेटाइटिस. इसके अलावा जो दूसरी तरह का बिलिरुबिन होता है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है. वो यूजुअली सर्जिकल, उसको सर्जिकल जॉन्डिस बोला जाता है, क्योंकि वो जो हमारा बिलियरी ट्री होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है. और उसके साथ में कुछ और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि क्ले कलर्ड स्टूल आती है, वाइट कलर की स्टूल होती है, और पेशेंट को बहुत खुजली होती है. और जो पहले वाला हेपेटाइटिस के कारण जो बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, उसमें यूजुअली फीवर होता है, भूख ख़त्म हो जाती है, और पेट में दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं एक्सट्रीम केसेस में, क्योंकि वहाँ पे लिवर की पैथोलॉजी होती है. लेकिन यहाँ जो कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, में लिवर ठीक होता है लेकिन बिलियरी ट्री में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर या पैनक्रियाज का कैंसर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्रिक्चर हो सकता है. अच्छा, अब ये तो हुए जॉन्डिस के कारण. इसके अलावा अब ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, वो अकॉर्डिंग टू कॉज उसका ट्रीटमेंट बताएंगे. सो व्हेनेवर यू फील अ डाउट ऑफ जॉन्डिस अलॉन्ग विद फीवर, चिल्स और अदर सिम्टम्स विच आई टोल्ड यू, तो आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइए, और उन्हें दिखा के पूरा इवेलुएशन करवाइए, और अकॉर्डिंग टू द कॉज जॉन्डिस का सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट करवा लेना चाहिए एज सून एज पॉसिबल.